हम इतनी जल्दी भागते हैं, रुकने का नाम नहीं लेती है ज़िंदगी, और फिर शिकायत करते हैं यार मेरे हिसाब से मेरे मर्जी से ये ज़िंदगी क्यों नहीं चलती। हाय, बहुत सारे ख्यालों वाली खिड़की में मैं हूँ इस वक्त आपके साथ RJ जिया, और आज ख्यालों वाली खिड़की में मेरे भी कुछ बहुत सारे सवाल हैं ज़िंदगी से, लेकिन कुछ सवालों के जवाब कभी कभी नहीं मिलते तो आपको ढूंढने पड़ते हैं, ठहर जाना पड़ता है अपने लिए सोचने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए। लोग कहते हैं ना मूव ऑन करो, ज़िंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है, सब सही है, लेकिन खुद के लिए जीना भी तो सही है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। बच्चे इसलिए उनको ओबे करते हैं क्योंकि वो उनके पेरेंट्स से, उनकी लाइफ उनके पेरेंट्स की देन है, और पेरेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो बच्चे समझ गए। सो ज़िंदगी की साइकिल पहले से ही हम पे कंट्रोल, पहले से ही हम पे बहुत ज़्यादा एक साइकिल की तरह चलती रहती, जिसमें हम कोई है जो हमारे ऊपर हमेशा रूल कर रहा है। लेकिन वॉट अबाउट हम, वॉट अबाउट अस, वॉट अबाउट मी, वॉट अबाउट माई सेल्फ, ये हम तब जाके सोचते हैं जब ज़िंदगी की आधी गाड़ी सवार हो चुकी होती है और मंजिल तक आते आते हमें लगता है मैंने तो ज़िंदगी में बाय गॉड कुछ किया ही नहीं है, अभी तो मुझे बहुत सारे सपने पूरे करने हैं और मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो हमेशा दूसरों की ही सुनता आया हूँ, मैं आज पापा को बोल देता हूँ बहुत हो गई इंजीनियरिंग, अब मुझसे नहीं होती पापा, प्लीज़ अब मुझे जो करना है मैं करूँ। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जब मिलती हूँ या पूछती हूँ यार तूने तो इंजीनियरिंग की थी, इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है। बहुत सारे ऐसे सपने कुछ सालों के बाद हमें लगता है अब नहीं तो कभी नहीं, मुझे अभी से शुरुआत करनी है, और ये तभी हो सकता है, तभी मुमकिन है जब आप हफ्ते में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, पूरे एक साल में अपने लिए एक दिन तो निकालो अपने सपनों के बारे में सोचने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए। हम इतने सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं, इतने सारे डेज होते हैं जिसमें मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, सिबलिंग्स डे, ये डे वो डे, आपको नहीं लगता पूरे साल में एक दिन होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए मी डे, यानी हमारा दिन जिसमें हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सेल्फिश हो जाओ, बट स्टिल इतना हक है 365 डेज में से एक दिन अपने बारे में सोचने का, अपनी मर्जी से जीने का, जिंदगी में वो सब कुछ करने का सपना जो तुमने अपनी लंबी लिस्ट बनाई थी उसमें से एक दिन ऐसा। एक बार एक इंसान ऐसा ही करता है, वो डिसाइड करता है बहुत हो चुका, अब मैं पूरे एक साल में एक दिन अपने हिसाब से जीऊंगा, अपनी मर्जी से पूरा दिन प्लान करता है वो। हालांकि नॉर्मल डे था तो किसी को पता नहीं चला, उसने इतने हल्के में दिन लिया, आराम से उठा, अपनी मर्जी से इंजॉय किया उसे सब कुछ, उसे बहुत अच्छा लगने लगा, वो हल्का महसूस करने लगा, वो सब कुछ किया जो कई बार रूटीन के चक्कर में बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाया, पर उसे अच्छा लगने लगा तो उसने साल से महीना कर दिया, फिर हर महीने में एक दिन वो मी डे सेलिब्रेट करने लगा जो साल में करता था, फिर महीने से उसे अच्छा और लगने लगा, उसकी एनर्जी पॉजिटिव होने लगी, तो पूरा वीक में उसने एक दिन यानी कि मी डे। अब उस इंसान की ऐसी हालत है कि वो हर रोज ऐसे ही जीता है, यानी अगर आपको बाय डिफॉल्ट आपके अंदर से ही खुद के लिए मी डे जैसी फील आ रही है तो आप हर रोज ऐसी जिंदगी जी सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मूड अच्छा रहे, क्योंकि आपके आसपास आपके सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके मूड की वजह से या आपकी वजह से मुस्कुराते हैं, फिर चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो, लेकिन आपका मूड फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। उसे फ्रेश रखने के लिए आपके लिए मी डे या मी डे में से कोई भी एक ऐसा पल एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है जो आपको खुश रखे और आपके मूड को हमेशा चीयरफुल बनाए रखे। हम हमारे बर्थडे पे क्या करते हैं, स्पेशल डे है ना, हमारा डे है इसलिए हम केक काटते हैं। कभी आपने बिना बर्थडे केक काटा होगा, उस दिन किसी ना किसी का दुनिया में कहीं पे बर्थडे तो होगा। बिना रीजन केक काटना इज ऑल्सो स्पेशल फीलिंग। मैं तो कई बार ऐसा करती हूँ, मज़ा आता है मुझे क्योंकि मुझे खुशी मिलती है, मैं खुश रहती हूँ। मैं खुश रहती हूँ मतलब मेरे आजू बाजू के सराउंडिंग्स में एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाती हूँ। इट्स नॉट कि लोग कहेंगे कि ये तो सब बातें हैं, बकवास है, ये सब स्पिरिचुअल बातें हैं, पागल होने वाली बातें, कोई पागल मानेगा। एक बार करके देखो फिर ये सब भूल जाओगे। क्या ज़रूरत है कि कोई स्पेशल दिन हो तभी तुम नई साड़ी या नया ड्रेस पहनोगी, कभी बिना रीज़न ही पहन लो क्योंकि तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, तुम स्पेशल फील कर रही हो तो सबके लिए वो स्पेशल डे बन जाता है। जब हम खुद स्पेशल फील करते हैं या खुद स्पेशल होते हैं ना तो एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि याद करो अगर घर जा रहे हो, घर जाके ही दरवाजा खोला और बेसन के लड्डू की खुशबू आए, मतलब उस दिन दिवाली नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, बट स्टिल तुम्हें एक सरप्राइज मिला है। सो जिंदगी की फितरत है सरप्राइज देना। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें इस मूड को कैसे लेना है।
तुम खुद अपने लिए स्पेशल डेज नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें कोई स्पेशल फील नहीं कराएगा। हर रोज मी डे है अगर मानो तो। अगर तुम्हें पता चल जाता है कि आज मेरा दिन मुझे स्पेशल बनाना है, फिर वो कोई भी चीज हो, 6 महीने से नहीं पहना हुआ पुराना कुर्ता भी ड्राई क्लीनिंग करके पहन के जाओगे ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पुराना है क्योंकि तुम्हें नया लग रहा है। सो तुम्हारा मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जिंदगी और रेसिपी दोनों में एक्सपेरिमेंट करने चाहिए क्योंकि इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से ही हमारी जीवन की सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। यस, हार्ड वर्क बिल्कुल आलू की टिक्की की तरह है, इसमें मेहनत की चटनी मिलाओगे तो अच्छा ही फल मिलने वाला है। पेशेंस, जैसे हम व्हाइट सॉस पास्ता के साथ मिक्स करते हैं ना, तो थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है, जल्दबाजी में करेंगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। स्ट्रगल, जब हम केक बनाते हैं तो उसके बैटर को फेंटना पड़ता है अच्छी तरह से, बार बार उलट के पुलट के, यानी सॉफ्टनेस का रास्ता स्ट्रगल से शुरू होता है। आप डिसाइड करो आपको अपने मूड को कैसे फ्रेश रखना है, बिल्कुल बेसन के लड्डू की तरह, है ना। सो आप कब शुरू कर रहे हो इस हफ्ते का अपना मी डे, है ना, मुझे जरूर बताना कमेंट में जाके, मैं इंतजार कर रही हूँ लड्डू के साथ।